हमारी बेटियां कोचिंग से निकलती थी, सपा के गुंडे लड़के इतने बदतमीज थे, बहनों और बेटियों के दुपट्टा लहराते हुए जाते थे। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए होते, बेवकूफी पढ़ के आए, गुंडा गर्दी पढ़ के, बाप के पैसे उड़ा के आया। कौन कहता पढ़ाई पढ़ के आए? अगर पढ़ाई पढ़ के आते तो शायद है कि राम नाम शब्द का मतलब समझते, कार सेवकों पे गोली न चलवाते बाप बेटे। पहले उनके डांस डांस वाली सपने में आती थी, अब उनके कृष्ण भगवान आएंगे कुछ दिनों बाद, ये कहेंगे कि शायद हमें योगी जी भी सपने में आएंगे। जब बुलडोजर चलेगा तब उन्हें योगी जी सपने में दिखाई देंगे। मैं हूँ आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय मैं इटावा में मौजूद हूँ। यहाँ पे तीसरे चरण का मतदान होना है और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ गवर्नमेंट मेकर भी कहा जाता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम बिरला साक है। ये बताइए यहाँ पे किसके पक्ष में चल रहा है अभी? अगर हम बात करें टक्कर में कौन है मुख्यमंत्री की रेस में? यहाँ पे हम सही बात बताएं तो केवल केवल भाजपा का ही है, या पहले माना जाता था कि ये सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन कुछ हमारे जब से प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री हमारे आए, फिर हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो हम लोगों ने अमन चैन की जो जिंदगी जी है इटावा में और पूरे प्रदेश में, वो अब कहीं नहीं, पहले कहीं नहीं देखी थी ना कहीं। हम लोगों को जितनी सुरक्षा व्यवस्था देखी है कितनी अच्छी, कहाँ तक कहाँ पहुँचा दी। अब हम सब बहन बेटियाँ घर से सुरक्षित निकलते हैं और सुरक्षित पहुँचते हैं घर पर। मुख्यमंत्री की रेस में योगी जी ही हैं और योगी जी ही आएंगे। हम महिलाओं को घर से निकलने का बाहर अधिकार उन्होंने ही दिया है। सपा की सरकार में सिर्फ रोटी करना जानते थे और गुंडागर्दी जानते थे। आज हम घर से बाहर निकलते हैं, राजनीति करते हैं, सुरक्षित हैं और कंधे से कंधा मिला के सबके चलते हैं। सरकार में आप लोगों को कैसा डर था? हम लोगों को सबसे ज्यादा तो उनकी गुंडागर्दी थी और गुंडागर्दी अब भी चरम पे है, लेकिन हमारे योगी जी का उनको डर है, इसलिए हम बहने मतलब सुरक्षित हैं। हमारी बेटियां कोचिंग से निकलती थी, सपा के गुंडे लड़के इतने बदतमीज थे, बहनों और बेटियों के दुपट्टा लहराते हुए जाते थे। अब जब से हमारी योगी जी की सरकार आई है तब से सब सुरक्षित है, बेटियां अमन और चैन से जा रही है। हिम्मत नहीं हो रही, भय हो गया है, वो खुद ही डर के वजह से अपने अपने घरों में बैठे। योगी आ जाएगा, गुंडे सावधान हो जाओ नहीं तो योगी जी आ जाएंगे। अच्छा ये अखिलेश यादव कहते हैं योगी जी सबसे बड़े गुंडे हैं, जो कहता है ना वही होता है। अखिलेश यादव खुद में ही बहुत बड़ा गुंडा है, समझ में आया? देखा आपने धर्म के नाम पे क्या किया? हमारे योगी जी को पैसा मिला, राम मंदिर बनवाया, कन्याओं को पैर धोए, और हमारे जो सुरक्षा कर्मी सफाई कर्मी है, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उनके पैर धोते हैं, उन्हें कुर्सियां देते हैं, और ये क्या करते हैं सैफई में डांस करवाते हैं, हैं आम जनता को बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। इनके अधिकारी पैरों से बैठते हैं, ऐसी सरकार को बिल्कुल सफाया होना चाहिए और दूर दूर तक इस सरकार को नहीं आना चाहिए। योगी ही मुख्यमंत्री है, आगे वही रहेंगे। ये बताइए कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं अखिलेश यादव के? अरे अब तो उनके जाने कौन कौन आएगा सपने में, अब तो उनके सपने भी बदलते रहते हैं। पहले उनके डांस डांस वाली सपने में आती थी, अब उनके कृष्ण भगवान आएंगे कुछ दिनों बाद, ये कहेंगे कि शायद हमें योगी जी भी सपने में आएंगे। जब बुलडोजर चलेगा तब उन्हें योगी जी सपने में दिखाई देंगे। इधर सही से चला है, इसे इधर बिल्कुल सही से चला और अब की बार फिर सही से चलेगा। और हम सब बहने इटावा की सब बहनें घर से निकल के एक एक बहन एक एक बेटी योगी जी के साथ हैं, और जब बुलडोजर चलेगा चाहे हमारी जान चली जाए उसके साथ रहेंगे और इन्हें नष्ट और नाबूद कर देंगे। बिल्कुल सपाया हो गया है, सपा का सपाया हो गया है। कहा जाता है कि सपा का किला माना जाता है, तो किले का किला किला ध्वंस हो गया, साइकिल का किला ढो गई, साइकिल पिंचर हो गई, किला ढह गया, इनके पता नहीं है। जैसे सपने में आता वैसे सैफई इनके सपने में ही आएगा। एक बात बताइए अखिलेश यादव अभी बस अपने सैफई में किया, इटावा में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया हमारे योगी जी ने किया। हम सब लोगों को आगे बढ़ाया, बहनों को आगे बढ़ाया, माताओं बहनों को, और सबसे बड़ी उनकी सुरक्षा जो स्वाभिमान लाए। पार्टी पार्टी सैफई में, अरे बार बालाओं का डांस शर्म नहीं आती। 60 साल के बुड्ढों को देखिए जिन्हें राम नाम की माला जपनी चाहिए, डांस देखते ठाकारे लगाते हैं। अरे अपनी जनरेशन को क्या सिखाएंगे? इन्होंने तो खुद ही अपने लड़के को कहना चाहिए एक मुसलमान से बढ़ के बना दिया। औरंगजेब है, औरंगजेब बाप, अखिलेश यादव औरंगजेब है, बाप को गद्दी से उतारा और बेटा बैठ गया, चाचा को लात मारी। अरे धिक्कार है ऐसे 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 पुत्र को, ऐसे पिता को भी धिक्कार है जिसने ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसा नालायक वो अब जनता के लिए क्या सोचेगा? पुत्र की तो बात छोड़िए, अच्छा मुख्यमंत्री कैसे थे अखिलेश? अखिलेश यादव हमने अभी कहा फिर कह रहे मुख्यमंत्री के नाम पे कलंक था,
मुख्यमंत्री होने पे कभी भी किसी बहन बेटी के न पैर धोए न सम्मान किया। अगर गए तो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, अरे शर्म नहीं आती इन्हें सत्ता में बैठ के ऐसी बात करते हुए। हम बहनों को अगर मिल जाए ना तो इन्हें सबक सिखा दें, राजनीति सिखा दें एक बार। हमारे योगी जी हम सब बहनों के भाई हैं, पिता हैं और रक्षक हैं। अभी कह रहे हैं कि महिलाएं इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, योगी राज। अरे उनके क्या, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बहू भाग गई घर छोड़ के, उनकी बहू भाग गई और वो आई भाजपा में कि हमें शरण दे दो नहीं तो हम भी असुरक्षित हैं। जिस घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है उनके घर की वो प्रजा क्या सुरक्षित करेंगे। कह रहे हैं कि 10 मार्च को साइकिल का ऐसा बटन दबाइए, जनता से कह रहे हैं इटावा की, कि गर्मी उतर जाएगी। अरे साहब पंचर हो गई और जब मंच पर खड़े थे साइकिल के खुद के हाथ से ही दो दो टुकड़े हो गए, वो क्या बटन दबाएंगे जे बताओ। साइकिल का नामो निशान नहीं है कहीं इटावा में। अभी वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो? सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारी सुरक्षा और जो हमारे योगी जी ने वो स्वाभिमान समूह जो बनाए हैं, सामूहिक समूह। हमारी बहन बेटियां अनपढ़ हैं, घर में बैठ के स्वावलंबी बनाई हैं, अपने आप आत्मनिर्भर बनाई हैं, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसीलिए हम चाहते हैं बार बार अपने योगी जी को सब बहनों की तरफ से प्रणाम करते हैं, जो आज़ादी और हमें स्वतंत्रता दी है उसके लिए और स्वावलंबी बनाया उसके लिए। योगी जी ने हमारे लिए देखो भोजन की व्यवस्था करी, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की है राशन में, और घर बनवाए हैं सबके लिए, और सभी तरह से गरीबों का सहायता की है उन्होंने। एक निचले तबके को उन्होंने ऊपर उठाया है, उन्होंने नीचे ऊपर वाले लोगों को कैसे थे, अगर अखिलेश यादव ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं, उन्होंने किसी गरीबों का साथ नहीं दिया है, उन्हें कभी किसी गरीब को नहीं उन्होंने उठाया है, उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाया है, अपना परिवार बनाया है। मेरे जितना काम प्रदेश में कभी हुआ ही नहीं है, कोई सिर्फ काम जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया है। योगी राज में कैसा हुआ? योगी राज में सबके लिए हुआ, हर गरीब है, सबका विकास, सबका विश्वास लेके हमारी प्रदेश की जो हमारी योगी जी की सरकार चलती है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास को लेकर चलती है। जो बात है बस, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ वंशवाद। पिताजी, चाचा जी, बहन जी, बेटा जी, बप्पा जी और दूर दूर के बीवी जी कहाँ जाएंगी भैया, बीवी जी भी, बाकी की प्रजा के नाम पे बिल्कुल जीरो है, जीरो। मैं 400 सीट लेके आ रहा हूँ, 400 सीट, चार भी सीट ले आए, चार सीट ले आए। इटावा की सब महिलाओं की तरफ से उन्हें चुनौती है, चार सीट भी अगर ले आए तो फिर हम महिलाओं से आके बात कर ले उनका क्या होगा। बिल्कुल सफाया होगा, 10 तारीख के बाद कृष्ण भगवान की बजाय उनके सपने में सिर्फ सपा ही सपा आएगी, वो योगी जी आएंगे बस, और कुछ भी नहीं आएगा, अपना बन के रह जाएगा। तो गर्मी किसकी उतर रही है? गर्मी सपा वालों की, गुंडों की, जिनने गुंडागर्दी दिखाई है, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को रुलाया है ना, उनकी गर्मी उतरेगी। और गर्मी नहीं, उनका दूर दूर तक ऐसा नशा उतरेगा, जब उनकी दुकानें बंद हो गई, जो पहले जो कर रहे थे, पकड़ की जो दबंगाई करते थे, आए दिन जो दुकानों पे हफ्ता वसूली करते थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई है, अब उन पर जो अब उनको भय हो गया है और डर ला रहा है कि योगी जी दोबारा आ गए तो हमारी दुकानें फिर से बंद हो जाएंगी। अखिलेश यादव कहते हैं प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, ऐसी कुछ पता नहीं है। जो 1,35,000 तक की जो हमारे जो शिक्षकों को भर्ती दी गई, उन्हें कुछ पता भी है? पता कर ले पहले, कुछ पढ़े करें और बन तो जाए कुछ, उन्हें आता भी तो है नहीं कुछ पढ़ना वढ़ना, उनको कुछ पता तो कर ले वो हमारी सरकार क्या क्या कर रही है। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए होते, बेवकूफी पढ़ के आए, गुंडागर्दी पढ़ के, बाप के पैसे उड़ा के आया, कौन कहता पढ़ाई पढ़ के आए। अगर पढ़ाई पढ़ के आते तो शायद है कि राम नाम शब्द का मतलब समझते, कार सेवकों पे गोली न चलवाते बाप बेटे। कौन कहता है कि वो पढ़ के आए, उन्हें अपनी सभ्यता नहीं मालूम, उन्हें हिंदू संस्कृति नहीं मालूम, हिंदुस्तान में जन्म होके भी उन्हें कुछ नहीं मालूम है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसको कह रहे थे कि शिलान्यास मैंने करवाया है, बीजेपी ने सिर्फ फीता काटा है, कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक परिवर्तन हो रहा है। ढोंगी है, ढोंगी है बहुत बड़ा, समझ में आया? वो अखिलेश नहीं है, सकलेश है, सकलेश, और ढोंगी है, टीपू नहीं, वो टीपा है, समझ में आया? टोंटी चोर है, बहुत बड़ा, समझ में आया? उसके तक जिसने टोंटी चोर है उसके लिए जितनी महिलाएं नाम ले वो सब उसके लिए कम है। अरे जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान ही ना बन सका वो क्या बनेगा जी बताओ? सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान ही ना बन सके तो तुम क्या बनोगे? नहीं जानते हैं वो
हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं जानते हैं, तो आज कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है और इन 5 सालों में ये इन बदमाश सरकार है एक ही नहीं है। जब हमें पता था कि इसने हमें वोट नहीं दिया, फिर भी हमने उसको राशन दो दो बार दिया, उनके फ्री दवाई दी, उनके जो कोरोना काल समय रहा ये सब कहाँ थे? कभी किसी के पास आए थे? इन्होंने देखा किसी को मरते हुए, किसी को दम तोड़ते हुए, किसी को भूखे? हम लोगों ने किसी को मरने नहीं दिया, भूखे नहीं रहने बैठ के और रोजे करते रोजे इफ्तारी करते रहे। जे राजनीति करते हिंदू मुसलमान की, भाजपा नहीं करती है। भाजपा जब राशन बांटती है तब ये नहीं देखती कि हिंदू बहन खड़ी है, मुसलमान भाई खड़ा है, बराबर राशन दिया जाता है। अगर हमारे यहाँ इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन लगती है, तो ये नहीं देखते हिंदू के मुसलमान, और ये इनकी जात, इनके हराम पर ये देखते हैं कि रोजा इफ्तारी करें तो मस्जिद चले। राम नाम कहने को भी इनकी पहले जीव कट दी थी, अब जब देखता है कि हमारी सफाया हुई जा रही है तो इन्हें सपने आ रहे हैं, इन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं सपने में। लाल टोपी से खतरा है क्या? अरे लाल टोपी वाले, लाल टोपी वालों का क्या हाल होगा? ना सिर रहेगा ना इनकी टोपी रहेगी। काहे की पहले इन्हें दिखाई पड़ रहा कि इनका रक्त पहले ही है, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ है। अच्छा, अब चाचा और पिताजी दोनों का आशीर्वाद है अखिलेश? समझ में आया, अभी चाचा जे समझते थे शायद पिताजी का ही है। अरे बेटा, उसने जो कहा था कि हम 300 सीट है, चाचा को भी एक सीट दे के और बेवकूफ बना दिया। मदारी है, मदारी अखिलेश यादव बहुत बड़ा मदारी भी है। जनता इतनी त्रस्त है इन 5 सालों में कि महिलाएं, युवा और गरीब हमारे साथ है और परिवर्तन चाहते हैं। जनता इतनी खुश है कि आप देखेंगे कितनी ज्यादा बहन बेटियां निकली है, बच्चा बच्चा चिल्ला रहा, सब कह रहा योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री राम। आप बोल रहे हैं कि योगी जी ही चाहिए, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? अरे ऐसे गुंडे का हमें सफाया चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, हमें आजादी चाहिए और बहनों का सम्मान चाहिए हमें। और जो गरीबी है, जो हमारी बहन अनपढ़ है, उनके लिए भी रोजगार है हमारी। अखिलेश यादव भी तो देने की बात कर रहे हैं। अरे मालूम मदारी है, मदारी डमरू हिलाता है जब पड़ती है तब। बाप के सामने भी डमरू हिलाया, चाचा के सामने भी, तो जनता को क्या बेवकूफ नहीं बनाएंगे? महिलाएं किसके साथ है? योगी जी के साथ, योगी जी के साथ, योगी जी के साथ, योगी जी को वोट बिल्कुल। उन्होंने मुद्दे क्या? योगी जी ने सब कुछ दिया है, उन्होंने 1 महीने में 2 बार गल्ला दिया है, ठीक है, शौचालय बनवाई है, जनधन योजना खुलवाई है, बहने और बेटियां सारी सुरक्षित हैं। और देखो ये लोग अभी भी गुंडागर्दी करते हैं। अभी जसवंत नगर क्षेत्र में हम लोग गए थे महिला मोर्चा लेके, तो एक व्यक्ति वहाँ पे आया और वो हमसे बोला कि यहाँ आप लोग क्यों आई हो, हमारे चाचा जी है ना वो 2 लाख से जीतेंगे। तो हमने उससे ये बोला कि हमें इससे मतलब नहीं है, 10 लाख से जीते आपके चाचा जी, हर किसी का अधिकार है हर क्षेत्र में जाने का, ठीक है, तुम क्यों रोक सकते हो? हम महिला मोर्चा तो इसका मतलब तुम ये समझो डर के भागे भागे नहीं। और गुंडागर्दी अभी तो तुम्हारी सरकार नहीं आई है, जब तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और सरकार आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? ऐसा हम लोगों ने जब दीदी ने हड़काया तो कौन बदतमीज है उसे लेके आओ सामने, किससे बात करो, उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। महिलाओं के अंदर का डर खत्म हो गया सामने जो भी, बिल्कुल 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 खत्म हो गया महिलाओं का डर। हम लोग डरते नहीं है, अगर कोई गुंडा आएगा सामने सीधा जूता देने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है। पहले डर था क्या? हाँ डर था अखिलेश के, हाँ राज में था डर कुछ। बहन जी आज हमारे मोहल्ले में गुंडे आए रात के करीब 2 बजे और हमें नहीं पता, शायद अगर अखिलेश ने भेजे हो, ठीक है, और हमें तो मालूम नहीं। हमारी बहन बेटी कह रही कि रात के 2 बजे गुंडे आए और पूरे मतलब मोहल्ले के आदमी जग गए, हमें तो सुबह मालूम पड़ा। हो सकता है इन्हीं ने भेजे हो, क्या बोले गुंडे घर में घुसने के लिए, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो सुबह बहनों ने बताया है। गुंडा तो गुंडी लगा दिया, हाँ हम लोग भीतर है, गुंडी लगा दिया था चोर, हाँ कि निकल नहीं पाए। दो बज के 6 मिनट पे हुआ कांड, ये गुंडे आए क्यों थे पता ना क्यों, पता ही तो नहीं चला कि कहाँ से आए। धर्म ने जब जान लिया कि पूरे मोहल्ले के सारे इकट्ठे हो गए तो सारे भाग गए, जान ही नहीं पाए। मतलब हम तो ये समझ रहे उन्हीं लोगों ने दबाओ